बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी अपकमिंग फिल्म बंटी और बबली 2 को लेकर। जी हां, आज ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म के प्रमोशन में सैफ अली खान इस वक्त काफी ज्यादा व्यस्त हैं। इस दौरान देखा जाए तो सैफ कई बड़े खुलासे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे कि एक वक्त ऐसा था जब सैफ अली खान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बात का खुलासा खुद सैफ ने किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। वेल, इस बात से सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड की नवाब कही जाते हैं सैफ अली खान, जो आज के समय में अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, काफी लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं अपनी पत्नी बेबू करीना कपूर खान और अपने दोनों ही बेटों के साथ। लेकिन सैफ ने भी अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार उन्हें करोड़ों रुपयों का घाटा भी हुआ है। हाल ही में सैफ ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कैसे उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की नवाब सैफ अली खान और पॉपुलर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म बंटी और बबली 2 फाइनली बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म में सैफ और रानी के अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी और शार्वरी बाग नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय के बाद तकरीबन 12 साल के बाद सैफ और रानी एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब वह कई राज खोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान सैफ और रानी ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई राज भी खोले हैं। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने यूट्यूब पर रानी और सैफ का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सैफ ने अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने करोड़ों का नुकसान झेला है। ये झटका ना सिर्फ सैफ के लिए है बल्कि उनकी पत्नी करीना कपूर खान के लिए भी है। जी हां, आए दिन देशभर में प्रॉपर्टी को लेकर कई घोटाले चलते रहते हैं। इन घोटालों का शिकार जहां एक तरफ आम लोग होते हुए नजर आते हैं, मशहूर हस्तियां भी इन घोटालों का शिकार भी हो चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सैफ अली खान भी इस घोटाले का शिकार हो चुके हैं। सैफ ने हाल ही में रानी मुखर्जी के सामने इस बात का खुलासा किया। जी हां, सैफ ने बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने एक प्रॉपर्टी में अपनी तब तक की कमाई का 70% इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन आज तक वह प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिली है। जी हां, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी का जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में वह चाय पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सैफ ने बताया है कि वह प्रॉपर्टी स्कैम का शिकार हो चुके हैं। कुछ साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी में पैसे लगाए थे और मैंने तब अपनी कुल कमाई का 70% बिल्डर के कहने पर इन्वेस्ट कर दिया था। मुझसे कहा गया था कि 3 साल में यह कर तैयार हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक वह प्रॉपर्टी नहीं मिली है। इस तरह से सैफ ने बताया कि कैसे वह भी करोड़ों का नुकसान झेल कर बैठे हैं। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो सैफ अली खान अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। फिलहाल देखा जाए तो सैफ की फिल्म बंटी और बबली 2 रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म क्या कमाल करके दिखाने वाली है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस फिल्म में सैफ के साथ एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी बाग नजर आए हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।